इस वाले वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप फाइव रिचेस्ट प्लेयर इंडिया के। ठीक है, इंडिया के टॉप फाइव रिचेस्ट प्लेयर की बात कर रहा हूं मैं। इसमें मतलब कोई यूट्यूबर नहीं है, कुछ नहीं है, रिचेस्ट प्लेयर जो ई स्पोर्ट्स खेलते हैं उन प्लेयर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो कितनी किनकी प्राइज़ है, ठीक है, उनकी इनकम कितनी है, नाम क्या है, सब कुछ बोलेंगे, कहाँ से वो अभी करंटली खेल रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ इसी वीडियो में बात करेंगे टॉप फाइव रिचेस्ट प्लेयर इंडिया के। और इस वाले चैनल में मिलता है आपको हर कुछ कंटेंट, ठीक है, लीग अपडेट, न्यूज, इवेंट क्लियर, इवेंट कैसे कंप्लीट करना है, सब कुछ वीडियो मिलती है, गेम प्ले की वीडियो सब कुछ इस चैनल पर मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल पे बेल वाला आइकन ऑल पे सेट कर देना। एंड 4000 आवर का ड्रीम है यार, 4000 आवर अभी तक पूरी नहीं हुए 2017 से, तो वो भी कंप्लीट करा देना यार, 4000 आवर फर्स्ट टाइम। ठीक है, एंड 10K सब्सक्राइबर का ड्रीम है, तो वो भी कंप्लीट करा देना। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। तो टॉप फाइव पे नाम आता है जय भारत मैरियक्स का, ठीक है, जो कि अभी खेल रहे करेंटली गैलेक्सी रेसर से। ठीक है, तो उनकी इनकम है महीने की, गैलेक्सी रेसर उनको देता है 20.5 लाख रुपए पर महीने के, और अपनी टीम में मतलब स्नैपर का रोल अदा करते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल प्लेयर है, 20.5 लाख कमाते हैं मतलब ई-स्पोर्ट्स से। एंड पाँचवें नंबर पर, टॉप फाइव नंबर पर आते हैं। ठीक है, तो चलिए नंबर फोर के बारे में बात कर लेते हैं। तो टॉप फोर पे आते हैं अमन कनुगा यार, जो कि पहले काफ़ी छोटी टीम से खेलते थे जिसका नाम था लॉलेस बॉयज। एंड उसको 2021 में मतलब काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस को देखकर उसको वाशियो ने और गोल्डन ने मतलब गैलेक्सी रेसर में खरीद लिया इसी साल। ठीक है, और इनकी प्राइस इनका मैं 20.5 लाख, ठीक है, टूर्नामेंट से वो 20.5 लाख रुपये कमाते हैं, ठीक है, महीने का। तो टॉप फोर पे आते हैं, तो चलिए नंबर थ्री के बारे में बात करते हैं। नंबर थ्री पे कौन है? तो नंबर थ्री पे आते हैं जय आदित्य बारका बॉय। ठीक है, तो उनका मतलब वो अपनी टीम में मतलब असॉल्टर हैं एंड यहाँ पे रसर का काम करते हैं, असॉल्टर हैं। ठीक है, एंड वो उन्होंने XTG स्पोर्ट्स एंड यहाँ पे टीम के ओर से भी खेला है। ठीक है, एंड वो अपनी टूर्नामेंट से कमाते हैं 21.6 लाख रुपए, ठीक है, मंथली। एंड यहाँ पे टॉप नंबर थ्री पे आते हैं रिचेस्ट प्लेयर में। ठीक है, एंड तो चलिए यहाँ पे नंबर दो के प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। उनका नाम तो हर किसी ने सुना होगा, तो चलिए नंबर दो के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर 2020 चला था ई स्पोर्ट्स में, तो इसी प्लेयर के नाम से 2020 में ई स्पोर्ट्स चला था। ठीक है, तो जिसका नाम है वासियो CRJ। ठीक है, काफ़ी ओल्डेस्ट प्लेयर हैं ई स्पोर्ट्स के, टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स 2020 में रिप्रेजेंटिंग कर रहे थे, और अब 2021 में अभी गैलेक्सी रेसर्स के लिए खेल रहे थे। ठीक है, एंड यहाँ पे काफ़ी ओल्डेस्ट प्लेयर है और इनकी इनकम 30 लाख रुपया पर महीने टूर्नामेंट से कमा लेते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, ठीक है, ई स्पोर्ट्स के। तो टॉप नंबर वन प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, और इनका साल भी 2020 काफ़ी बढ़िया रहा था। आपने TG गोल्डन नाम सुना होगा, तो जी हाँ, अथर्वा की बात कर रहा हूँ मैं, जिनका नाम गोल्डन है। तो 2020 या टोटल गेमिंग ई स्पोर्ट्स से खेल लेते हैं, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, इनका और वाशियो का नाम। ठीक है, तो उन्हीं के दोस्त हैं ये भी, तो टॉप नंबर पे आते हैं कमाने में। इनकी जो मंथली इनकम है 30 लाख रुपया है। ठीक है, अभी करंटली खेल रहे हैं वो गैलेक्सी स्पोर्ट्स में, ठीक है, वाशियो के साथ। तो काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, ओल्ड प्लेयर है, ई स्पोर्ट्स में इनका नाम भी टॉप नंबर पे आता है। ठीक है, सो ये थे टॉप फाइव प्लेयर इंडिया के, रिचेस्ट प्लो प्लेयर ई स्पोर्ट्स प्लेयर, रिचेस्ट टॉप फाइव नाम मैंने आपको बता दिया इंडिया में, मतलब टॉप फाइव नाम थे ये। एंड आई होप आप सभी लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी, पसंद आएगी तो यार पक्का लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल पे बेल वाले का ऑल पे सेट कर देना, ऐसी आपको वीडियो आपको मिलती रहेंगी, लीग अपडेट, न्यूज, इवेंट, इवेंट क्लियर, सब कुछ वीडियो इसी चैनल पे मिलती रहेगी। एंड अगली वीडियो भी हो सकती है टॉप फाइव फैक्ट की रिगार्डिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बगल पे बेल वाला आइकन ऑल पे सेट कर देना। तो मैं बताऊँ फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन एंड गुड बाय, टाटा, लव फ्रॉम।